गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में हुए हादसे के बाद से नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस और मनोरंजन विभाग ने नोएडा में बने सभी गेमिंग जोन में सुरक्षा उपकरणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के दिशा निर्देश अनुसार अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग, GST विभाग, मनोरंजन विभाग की एक टीम गठित की गई है। टीम दो दिनों का विशेष अभियान चलाकर गौतम बुद्ध नगर के सभी गेमिंग जोन में सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी को चेक कर रही है। इस अभियान का मुख्य जिम्मा गौतम बुद्ध नगर के फायर विभाग को दिया गया है ताकि यह चेक किया जा सके कि सभी गेमिंग जोन में पूरी तरीके से सुरक्षा उपकरण काम कर रहे हैं, यह नहीं और किसी तरीके की भी कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। देखिए, कमिश्नर मैडम के निर्देश में, आला अधिकारियों के निर्देश में एक टीम गठित की गई है जिसमें कि स्टेट टैक्स ऑफिसर साहब लोग भी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के भी हमारे ऑफिसर्स हैं, हम लोग को अग्निशमन विभाग के हैं और हमारे इसमें जो हैं एंटरटेनमेंट ऑफिसर्स भी हैं। इनके द्वारा जो है हम लोग की कंबाइंड के टीम के द्वारा राजकोट की जो आज की घटना है वैसी घटना पुनरावृत्ति ना हो इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग दो दिन में एक अभियान चला के जितने भी गौतम बुद्ध नगर के गेमिंग जोन हैं इनको हम चेकिंग कर रहे हैं। अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ हम FIR भी करेंगे और उनको हम बंद कराएंगे और ताकि लोग जो है हम लोग जान माल की रक्षा कर सकें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।